सनस्क्रीन लोशन लगाते समय रखें किन बातों का ख्याल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रतिभा वीडियोस में। आज इस नई वीडियो में हम आपको बताएंगे सनस्क्रीन लोशन का कैसे करना है इस्तेमाल और कैसे बनाएगा यह आपकी स्किन को बेदाग निखरा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहे, हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। समर के दिनों में चेहरे का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में ख्याल के साथ साथ यह भी समझना जरूरी है कि किस तरह आप अपनी स्किन को हेल्दी भी बनाएं। ना केवल क्रीम पाउडर के इस्तेमाल से आप इसे सुंदर बनाएं, बल्कि अंदर से प्रोटेक्ट करना, अंदर से हील करना स्किन को बेहद जरूरी होता है। इसलिए पहला उपाय तो आप यह करें, शरीर में पानी की मात्रा गर्मी के दिनों में अधिक कर दें, ताजे फलों का सेवन करें, पौष्टिक आहार लें, भूख से कम खाएं, क्योंकि अधिक सेवन भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में इसका सीधा असर आपकी स्किन पे पड़ेगा। अब ये बात तो हो गई स्किन को अंदर से प्रोटेक्ट करने की, अब हम बात करेंगे कि बाहर से आप अपने चेहरे पर गर्मी के दिनों में सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल कैसे करें कि आपकी स्किन सन टैनिंग, सन बर्निंग से बच सके। इसके लिए आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि सनस्क्रीन को अपने चेहरे पर अच्छे से लगाना है, ये नहीं कि कहीं ज्यादा कहीं कम लगा लिया। ऐसे में वह दाग धब्बों के रूप में दिखने लगेगा और जहां कम क्रीम होगी वहां पर आपकी स्किन जल जाएगी, जिससे वह इस ब्लैक स्पॉट के रूप में आपके चेहरे पर उभर जाएगा। दूसरा खास ख्याल रखना है, हमेशा अच्छी क्वालिटी की सनस्क्रीन यूज करें। लोकल या फिर ऐसी किसी भी क्रीम का इस्तेमाल अपने चेहरे पर न करें जो आपके स्किन को हार्म पहुंचाए। ऐसे में आपकी स्किन काली पड़ने के साथ साथ खराब और डैमेज भी हो सकती है। सनस्क्रीन का मतलब केवल इसका इस्तेमाल धूप में निकलने के लिए, बाहर जाने के लिए ही करना नहीं है, आप इसका इस्तेमाल घर में भी कर सकते हैं। अपनी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए आप इसे नियमित रूप से नहाकर घर पे भी लगाएं, यह आपको पूरा लाभ देगा। SPF 30 का ही इस्तेमाल करें, यह pH वैल्यू आपके फेस के लिए सबसे बेस्ट है। इससे डैमेज सेल्स खत्म होती हैं व आपको हेल्दी और ग्लोइंग स्किन मिलती है। क्रीम को हमेशा चेहरे पर अच्छे से सुखाएं, अगर हो सके तो जब आपकी स्किन हल्की सी गिरी, या यूं कहें आप अपने चेहरे को जिस समय क्लीन करें उसी समय आप इसका तुरंत इस्तेमाल करें, ताकि आपके चेहरे पर कोई अन्य गंदगी ना रह जाए। आप क्रीम को घर से निकलने के 15 मिनट पहले लगा लें, तुरंत लगाकर नहीं निकलना है, इसे घर पर ही पहले 15 मिनट लगा लें, उसके बाद घर से बाहर निकलें। दोस्तों, अगर आप हमारी दी हुई इन जानकारियों से संतुष्ट हुए हो, आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।